इंडियन सबकॉन्टिनेंट दो हिस्सों में टूट रहा है और इसमें सबसे बड़ा खतरा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्टेट्स हिमालयाज में घुसता चला जा रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले सालों में ये स्टेट्स इंडिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। शायद आपने इस प्रॉब्लम के बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ये खतरा ऑलरेडी दस्तक दे चुका है। अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन अपने रिसर्च के दौरान जब उन्होंने साउदर्न टिबेट से सिस्मिक डेटा को कलेक्ट किया और इस पूरे डेटा को दिसंबर 2023 में सैन फ्रांसिस्को के अंदर हो रहे अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया, तो तब इस डेटा से रिवील हुआ कि इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। लगभग 5 करोड़ साल पहले कुछ ऐसी ही प्रोसेस से हिमालयस का जन्म भी हुआ था और आज यही प्रोसेस इंडियन सबकॉन्टिनेंट को दो भागों में बांट रहा है। इंडिया के प्लेट्स की स्प्लिटिंग ऊपर नॉर्थ की तरफ से ऐसे हो रहा है जैसे मानो कागज के टुकड़े के ऊपर से लेमिनेशन को कोई उखाड़ रहा हो। पर आखिर इंडियन सबकॉन्टिनेंट की इन टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके जवाब को जानने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा। 5 मई 2022 को टिबेट के पास मौजूद सियाचिन रीजन में 6.8 मैग्नीट्यूड का एक जबरदस्त अर्थक्वेक आता है। जमीन अचानक से हिलने लगता है और बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह गिरने लगता है। सियाचिन में जिधर देखो सर के मलबे से घिरा हुआ था और इस इंसिडेंट ने 93 लोगों की जान ले ली, साथ ही 424 लोग इंजर्ड भी हो गए थे। लेकिन ये बात कोई नई बात नहीं थी, टिबेट के अंदर पिछले 5 सालों में 2000 से भी ज्यादा छोटे बड़े अर्थक्वेक्स आ चुके हैं, जिनमें से कुछ अर्थक्वेक्स तो 7.4 मैग्नीट्यूड तक का था। यही कारण है कि साइंटिस्ट इस रीजन को स्टडी करने के लिए यहाँ पर पहुँचने लगे और उन्होंने अपना जांच का दायरा भारत तक बढ़ा दिया। और इस रिसर्च से उन्हें पता चला सिर्फ 2023 में ही भारत के नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन और नेपाल में पिछले 2 साल यानी कि 2021 और 22 के टोटल अर्थक्वेक्स के मुकाबले से डबल अर्थक्वेक्स आया है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस डॉक्टर किरण राजू ने भी अपने एक इंटरव्यू में इसका जिक्र किया था। शुरुआत में तो इन रिसर्चर्स को लगा कि शायद इन रीजन्स में इतने अर्थक्वेक्स इसलिए आते हैं क्योंकि ये इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स की बाउंड्री पर स्थित है और टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री पर अर्थक्वेक का आना काफी कॉमन होता है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये था कि इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स की बाउंड्री सिर्फ इतनी जगह पर सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के कराची से लेकर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये म्यांमार तक फैला हुआ है। तो अगर अर्थक्वेक का रीजन इन जगहों के दो प्लेट्स की बाउंड्री पर मौजूद होना ही है, तब तो इन दो प्लेट बाउंड्री के सारी जगहों पर भूकंप जरूर आना चाहिए। पर इस बाउंड्री पर आने वाले 80% अर्थक्वेक्स सिर्फ इस रीजन में आता है, यानी कि इस पर्टिकुलर रीजन की टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे कुछ ऐसा चल रहा है जो आने वाले समय में अर्थक्वेक से भी खौफनाक हो सकता है। अब एक समय था जब ये इंडियन प्लेट्स इक्वेटर के साउथ में स्थित था, पर आज से करीब 6 करोड़ साल पहले मेंटल के मोल्टेन रॉक्स में उठे करेंट्स के बहाव से इंडियन प्लेट्स यूरेशियन प्लेट्स की ओर बढ़ने लगा और करीब 6000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। आपको बता दूं कि आज जो हिमालयन माउंटेन्स है वो भी इसी टक्कर से बने थे। असल में इसी टक्कर के बाद यूरेशियन प्लेट्स के लैंडमास में एलिवेशन आया और ये धरती के इतिहास का हाईएस्ट माउंटेन बन गया। लेकिन हिमालय के फॉर्मेशन की ये थ्योरी बस आधी सच है, क्योंकि हिमालय का फॉर्मेशन दो नहीं बल्कि 3 प्लेट्स के टकराने से हुआ था। अब आज से करीब 10 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स के बीच टेथिस नाम का एक ओशन मौजूद था, जिसके नीचे एक तीसरी प्लेट भी मौजूद थी और उसका नाम था केशिरोडा प्लेट। अब होता कुछ यूँ है कि जैसे जैसे इंडियन प्लेट्स यूरेशियन प्लेट्स के करीब आता है, तब टेथिस ओशन का तल यूरेशियन प्लेट के ऊपर की ओर चढ़ने लगता है और केशिरोडा प्लेट्स इसके नीचे की ओर धंसना शुरू कर देता है। यहाँ टेथिस ओशन के तल से हिमालय बनता है और केशिरोडा प्लेट पूरी तरह से यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस जाता है। और फिर अल्टीमेटली जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराता है तो हिमालयन रेंज की एक और लेयर का फॉर्मेशन होता है। अब क्योंकि इसी पर्टिकुलर रीजन में दो नहीं बल्कि 3 प्लेट्स टकराई थी, तो अर्थक्वेक भी यहीं पर सबसे ज्यादा आता है। लेकिन क्या भारत और टिबेट के रीजन में आ रहे अर्थक्वेक्स के अलावा भी ये केशिरोडा प्लेट कुछ गड़बड़ कर रहा है? वेल, इस चीज को जानने के लिए अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इन प्लेट्स की बाउंड्री को मैप किया है और साथ में इनकी स्टडी करना शुरू कर दिया, और उन्हें जो पता चला वो काफी शॉकिंग था। अगर हम इंडियन प्लेट को देखें तो उसकी एवरेज थिकनेस 100 किलोमीटर की है। अब टिबेट की एरिया में इसकी थिकनेस 20 किलोमीटर तक गिरकर महज 80 से 85 किलोमीटर रह जाता है। लेकिन ये प्लेट्स आखिर इतना पतला क्यों हो रहा है? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए साल 2023 में चाइना की ओशन यूनिवर्सिटी ने इसे एक नए तरीके से स्टडी करना शुरू किया।
उन्होंने टिबेट में मौजूद 94 सिस्मिक स्टेशन से यहाँ पर आने वाले अर्थक्वेक्स की वेव्स के डेटा को कलेक्ट किया और इस डेटा की मदद से इस रीजन को डिटेल में स्टडी किया। अब इस सिस्मिक वेव्स डेटा से उन्होंने पूरे रीजन का एक 3D मॉडल बनवाया और उस मॉडल में उन्होंने कुछ ऐसा होते हुए देखा जो किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने इंडियन प्लेट को स्टडी करने के लिए जब सिस्मिक वेव्स को प्लेट्स के अंदर भेजा तब उन्होंने नोटिस किया कि टिबेट के नीचे मौजूद इंडियन प्लेट्स की 80 किलोमीटर की थिकनेस को पार करने के बाद इन सिस्मिक वेव्स की स्पीड काफी बढ़ जाता है, जिसका रीजन है कि उसके नीचे बहुत ही ज्यादा मैग्मा भरा हुआ है। लेकिन फिर कुछ किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद इन सिस्मिक वेव्स का स्पीड फिर से स्लो हो जाता है, मतलब मैग्मा के नीचे फिर से सॉलिड सरफेस है। अब इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि किसी कारण से इंडियन प्लेट्स टूट रहा है और इस टूटती हुई जगह पर मैग्मा भर रहा है और किसी प्लेट के टूटने की प्रोसेस को प्लेट ब्रेकिंग या डेलामिनेशन कहा जाता है। दरअसल इसी कारण से भारत की जमीन हर साल धीमे रफ्तार से हिमालय के नीचे घुसता जा रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज से कुछ हजार सालों बाद इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा भारत के नक्शे से गायब हो जाएगा। अब सिर्फ यही नहीं बल्कि हिमालयन माउंटेन रेंजेस का फ्यूचर भी काफी डार्क है। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्किंसन के प्रोफेसर रैचेल हेडली का मानना था कि हिमालयन माउंटेन्स रेंज हर साल 4 मिलीमीटर की स्पीड से ऊंचा हो रहा है और अगर ऐसा चलता रहा तो आज से हजारों साल बाद बहुत ज्यादा हाइट हो जाने के कारण ये माउंटेन्स अनस्टेबल हो जाएगा और कोलैप्स करने लगेगा, जिसके बाद नॉर्थ का ये हिस्सा अनहैबिटेबल बन जाएगा। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या हजारों साल बाद होने वाले इन चेंजेस को लेकर हमें आज से कंसर्न रहना चाहिए या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।